दोस्तों आज है संडे और आज फिर मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए संडे आंसर बॉक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने कुछ रैंडम कमेंट्स पिक किए हैं जो कि आप सभी ने मेरी वीडियो के नीचे किए थे और दोस्तों अपनी इस वीडियो में मैं उन सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं वीडियो का शुभारंभ। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो यहाँ मुझसे पूछा है आशीष शाह ने, सर मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है और मैं सभी वीडियो को प्राइवेट कर दूं तो क्या होगा। तो आशीष शाह जी, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है और आप ये सोच रहे हैं, मतलब अगर आपके दिमाग में गलत आ रहा है कि आप अपनी सभी वीडियोज़ को प्राइवेट कर दें, तो जब आप अपनी वीडियोज़ को प्राइवेट करेंगे तो आपका जो वॉच टाइम है, मतलब उन सभी वीडियोज़ का जो वॉच टाइम है, वो सारा का सारा माइनस हो जाएगा। मतलब जो आपका चैनल मोनेटाइज्ड हुआ था 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके, वीडियो को प्राइवेट करके आप उस सभी 4000 घंटे को वापस से माइनस कर रहे हैं। तो जैसे ही आप प्राइवेट करेंगे आपका जो चैनल है वो वापस से डीमोनेटाइज हो जाएगा, मतलब आपकी जो मोनेटाइजेशन इनेबल हुई थी वो वापस से डिसेबल हो जाएगी। पर यहाँ एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि जब भी आप प्राइवेट की गई वीडियोज को वापस से पब्लिक करेंगे तो जो भी वॉच टाइम आपने गेन किया था वो 24 to 48 आवर्स में आपके चैनल पर आ जाएगा। पर अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है, मतलब आप अपनी वीडियो से पैसा कमा रहे हैं, तो आप अपनी वीडियो को प्राइवेट करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा बल्कि जो पैसा आप कमा रहे हैं वो भी पैसा आपके पास आने से रुक जाएगा। तो वीडियो को प्राइवेट या डिलीट करने से पहले एक बार फिर सोचिएगा, क्योंकि एक बार वॉच टाइम जो गया वो वापस कभी भी नहीं आएगा। हाँ, प्राइवेट वीडियो में वापस अगर आप पब्लिक कर देंगे तो वॉच टाइम आ जाएगा, बट फिर से आपको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आशीष शाह जी, उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया हो। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ मुझसे पूछा है टेक्निकल अकबर खान ने, भाई क्या डीमोनेटाइज चैनल मोनेटाइज हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो टेक्निकल अकबर खान, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप अपने चैनल पर वीडियो डालते हैं, मतलब अगर आप मेहनत करके अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हैं और आप सब्सक्राइबर और वॉच टाइम, यानी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके अपने चैनल को एडसेंस से कनेक्ट करके जब चैनल को रिव्यू पे भेजते हैं, तो YouTube ये चेक करता है कि क्या आपने अपने चैनल को सही तरीके से बनाया है, क्या आपने YouTube के सभी रूल्स को फॉलो करके चैनल को बनाया है। अगर आपने सभी रूल्स को सही तरीके से फॉलो करके दूसरे की वीडियो या दूसरे का कंटेंट ना यूज़ करके अपना चैनल क्रिएट किया है, तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपने YouTube की शर्तों के खिलाफ जाके चैनल बनाया या YouTube के रूल्स फॉलो नहीं किए, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब जब आप अपने चैनल को रिव्यू पे भेजते हैं और YouTube आपको ये बताता है कि भैया आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता, तो YouTube ये भी बताता है कि क्या ऐसी रीज़न है जो YouTube ने आपके चैनल पर देखी जिसकी वजह से आपके चैनल को रिजेक्ट किया। तो आप उस रीज़न को देखें कि क्या वो रीयूज्ड कंटेंट है, कि क्या वो YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो ना करना है। तो जब आपको पता लग जाए कि भैया किस रीज़न की वजह से YouTube ने आपके चैनल को सिलेक्ट नहीं किया, आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं की, तो आपको उस गलती को ठीक करना है और वापस से एक महीने के अंदर अपने चैनल को दोबारा से रीअप्लाई कर देना है। अब अगर आप वो वापस से गलती दोबारा रिपीट करेंगे तो आपका चैनल फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। पर अगर आप अपनी गलती को पकड़ लेंगे कि भैया क्या आपने गलती की थी जिसकी वजह से YouTube ने आपको डांटा है और YouTube ने आपके चैनल को रिजेक्ट किया है, और रिजेक्ट करने के बाद अगर आप अपनी गलती को सही करके दोबारा से अप्लाई करते हैं, तो आपका जो चैनल पहले रिजेक्ट हुआ था वो वापस से YouTube एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब ये नहीं है कि रिजेक्ट होने के बाद कभी भी आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो सकती। अगर जो गलती YouTube ने आपको बताई है उस गलती को आप सही करके दोबारा से अप्लाई करते हैं, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो टेक्निकल अकबर खान जी, उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया हो। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। तो यहाँ मुझसे पूछा है नरेंद्र कबीर पांथी चैनल ने, क्या फेसबुक पेज में वीडियो अपलोड करना ही जरूरी है, पोस्ट डालकर अर्न नहीं कर सकते। तो नरेंद्र कबीर जी, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि YouTube की तरह ही Facebook ने भी एक नया सिस्टम शुरू किया है, हालांकि उस सिस्टम को काफ़ी टाइम हो गया है, जहाँ आप वीडियो डाल के YouTube की तरह ही Facebook पर भी एड्स लगवा के अपने बैंक अकाउंट में पैसा कमा सकते हैं। अब आपका सवाल ये है कि क्या वीडियो डालना ज़रूरी है, क्या पोस्ट डाल के पैसा नहीं कमा सकते।
तो अगर आप YouTube की तरह Facebook पर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको वीडियो ही डालनी पड़ेगी। मतलब Facebook आपको तभी पैसा देगा जब आप वीडियो डालेंगे, मतलब अपनी वीडियो डालेंगे, अपना कंटेंट डालेंगे, और जब आप Facebook का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे, जैसे YouTube का है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, वैसे ही Facebook का भी क्राइटेरिया है जिसमें आपको 10000 फॉलोअर्स अपने पेज में चाहिए और 6,00,000 मिनट, कुछ ऐसे ही आपको Facebook का क्राइटेरिया भी पूरा करना पड़ेगा तभी आप Facebook पर वीडियो डाल के पैसा कमा सकते हैं। अब रही बात पोस्ट डाल के पैसा कमाने की, तो इससे भी आप पैसा कमा सकते हैं, पर इस केस में आपको Facebook पैसा नहीं देगा। आपको पोस्ट, यानी आप पोस्ट कैसे डालना चाहते हैं, मीम्स डालना चाहते हैं, आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग पोस्ट डाल के अपने Facebook पेज को ग्रो करना होगा, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप स्पॉन्सरशिप और ब्रांड्स को प्रमोट करके अपने Facebook पेज से पैसा कमा पाएंगे। तो ऐसे आप वीडियो भी डाल के और पोस्ट भी डाल के दोनों तरीकों से ही Facebook पेज पर पैसा कमा सकते हैं। बाकी Facebook पेज की मदद से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप ऊपर आई सेक्शन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो नरेंद्र कबीर जी, उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया हो। तो दोस्तों ये थे वो सवाल जो कि आप सभी ने मेरी वीडियो के नीचे किए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अपने सवालों के जवाब मिल गए हों। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरी किसी भी वीडियो पे YouTube या टेक रिलेटेड मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं अपनी इस वीडियो में आपके उन सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको आई हो पसंद, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा कल फिर एक नई वीडियो एक नए अपडेट के साथ। तो चलता हूँ, जय हिंद और वंदे मातरम।